दोस्तों कैसे हो आप सब। तो ये है जिम कार्वेट वाटरफॉल। तो हाँ, ये 1 जनवरी का व्लॉग है, तो बहुत लेट मैं अपलोड कर रही हूँ। तो उस दिन हम जा रहे थे जिम कार्वेट वाटरफॉल। तो ये पूरा जो रास्ता है यहाँ से सीधा वाटरफॉल की ओर जाता है, फिर यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं और यहाँ से थोड़ा पैदल है ऊपर को जाना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम हम गए थे उस दिन और बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो यहाँ पे सबने अपनी गाड़ियाँ रोक रखी हैं, बस यहाँ से थोड़ा सा अंदर है। चाहो तो आप पैदल भी आ सकते हो यहाँ पर पैदल आना थोड़ा सा खतरा रहता है जंगली जानवरों का। तो यहाँ पर गाड़ियाँ रोक के देखो कितनी भीड़ है। उस दिन 1 जनवरी को काफ़ी भीड़ थी और यहाँ से अब हम पैदल यात्रा करेंगे, बस थोड़ी सी दूरी है। और बहुत ही बढ़िया मौसम था उस दिन का। और 1 जनवरी को घर जाओ तो अच्छा लगता है, नया साल होता है। तो ये यहाँ पे पानी का था, बड़ा डर सा लग रहा था देखने में। पहाड़ों में हम इसको नौला बोलते थे। तो और आज तो देख के मुझे डर जैसा लग रहा था। बचपन में तो ये सब चीज़ें आदत थी इनकी देखने की। तो यहाँ पर ये जो रास्ता है सीधा जाने का, और ये नदी जैसी है, हालांकि इसमें पानी बहुत कम है, पर सब लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने जा रहे थे और हम भी गए थे। तो अभी हम पहले सीधे वाटरफॉल की ओर जाएंगे। वाटरफॉल तक का जो रास्ता है वो बहुत ही प्यारा था और ये पुल भी काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। इसके नीचे नदी है और यहाँ पे मैं हूँ जो वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अच्छा लगता है, कहीं जाओ तो वहाँ की यादें ताज़ा हो जाती हैं बाद में। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक मेमोरी भी बन जाती है। तो बस यहाँ पे हम सब लोग जा रहे हैं। तो ये कनिष्क, गौरी, बुआ, मम्मी और दी जिया जी और उनकी बेटी राहिनी, ते लोग थे हम साथ में। तो कुछ आगे कुछ पीछे, ये पत्थर भी अच्छा लग रहा था देखने में। यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक करवाई और पानी को देख के तो खैर अच्छा ही लगता है। तो गौरी भी देख रही है क्या है नज़ारा, खूबसूरत सा ही, थोड़ा अलग सा लग रहा है। और काफ़ी भीड़ थी उस दिन, अच्छा लग रहा था। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में और यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा है उसे देखिए।
ये है वाटरफॉल। तो पहले ये पूरा खुला हुआ था, लोग नीचे भी जाते थे, पानी में खेलते थे, पर अभी पूरा बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी। उसने ऊपर से छलांग लगा दी थी तो उसकी मौत हो गई थी, तो इस चक्कर में अभी पूरा बंद कर दिया है। और सच आंखों से आप देखोगे ना सामने तो ये बहुत ही प्यारा लगता है, खूबसूरत सा। फ़ोटो में वीडियो में उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर सामने आप देखोगे तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और बस इसे देखने के लिए हम हल्द्वानी से रामनगर गए थे, क्योंकि ये वाटरफॉल रामनगर में पड़ता है, जिम कार्बेट वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। और काफ़ी भीड़ थी उस दिन, फ़ोटो खिंचवाने की होड़ लगी हुई थी, तो मैं भी घुस गई थी बीच में फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो काफ़ी फ़ोटो खींची हमने और देखा इसको सुंदर नज़ारा। सच बताऊँ तो आज इसकी जो मतलब जो महत्व है वो बचपन में नहीं था। बचपन में तो ऐसी जब बारिश आती थी तो पहाड़ों में ऐसी वाटरफॉल बन जाते थे, गधेरों में ऐसे झरने बन जाते थे अपने आप ही, तो तब इसका कोई वो नहीं लगता था। बट ये कि हम देखने जाते थे बाद में पानी गिर रहा है, और बचपन में तो काफ़ी देखा है हमने, पर ये अब थोड़ा इसकी वैल्यू बढ़ गई है हमारे लिए कि हाँ चलो झरना देखने जाते हैं और वाटरफॉल अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी उस दिन और लोग देखने आते हैं इसको, तो नीचे तो हम नहीं जा पाए थे। हमने सोचा था नीचे जाएंगे, वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, पर वहाँ पे सब बंद कर दिया है अब ये चीज़ें। और अब इसको दूर से ही देखो, थोड़ा जब आप पैदल चलते हो तो थोड़ा सा अंदर है, और बस वहाँ पे हमने थोड़ी देर रुके हम वहाँ पे, उसके बाद हम आ गए थे। तो ये है जिम कार्बेट वाटरफॉल जो रामनगर में पड़ता है, और ये नदी है छोटी सी जो नीचे काफ़ी नीचे तक जाती है, पर इसमें पानी बहुत कम है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं है। अगर गर्मियों में वैसे ज़्यादा मज़ा आता होगा यहाँ पे, आप दूसरी तरफ से है नीचे जाने का, आगे है वो थोड़ा सा, तो वहाँ पे आप जाओ और पैर डाल लो नदी में, अच्छा लगता है। तो ठंड में तो थोड़ा सा हम बच रहे थे पैर डालने से, मन तो कर रहा था कि जाएं फ़ोटो क्लिक करवाएं, पर नहीं गए हम लोग, दूर से ही देखा हमने। यह है खूबसूरत सा नज़ारा है वहाँ का, जो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने मेरा वीडियो देखा छोटा सा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और आपको कैसा लगा वाटरफॉल ज़रूर बताइएगा।